आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन का जो ये प्रोग्राम होता है, जो ये त्योहार होता है, इस त्योहार को अगर हम मानसिक रूप से मनाएं, सेलिब्रेट करें, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी समस्त नकारात्मकता को, अपनी समस्त नेगेटिविटी को होलिका में भस्म कर देना। होलिका की पवित्र अग्नि जलाई जाती है। आज हम अभी ये अगले 5 मिनट में मानसिक रूप से करते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त चल रहा है। रात को शुरू हुआ था मुहूर्त, लगभग 12:30 बजे से, 1:15 बजे से मुहूर्त शुरू होकर 5.5 घंटे का मुहूर्त है। तो लगभग ये टाइम अभी मुहूर्त का है, जिसके लिए अभी इसे सेलिब्रेट करना बनता है। तो 5 मिनट साथ बने रहेंगे, मानसिक रूप से इस त्योहार को मनाते हैं। जरा भावपूर्वक कल्पना करें कि हमारे सामने होलिका अग्नि जो है वो जल रही है, अग्निदेव अग्नि जो है वो प्रज्वलित है। तो मानसिक रूप से हम अग्निदेव को एक बार स्मरण करते हैं। सबसे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान को स्मरण करते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही बाकी सब जो है वो देवी देवताओं का आगमन होता है। एक बार हम अपने सदगुरुदेव भगवान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करते हैं, जो नर रूप में साक्षात परमात्मा है। गुरु के चरण कमलों में हम, गुरुदेव के चरण कमलों में हम होली की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। अपने समस्त एंजल्स को, देवी देवताओं को भी हम होली की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करें और होलिका दहन का जो ये कार्यक्रम है, उसके लिए मैं सभी देवी देवताओं को और विशेष रूप से अग्निदेव को आमंत्रित करता हूं। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया प्रकट हों और मानसिक रूप से मैं होलिका दहन का ये प्रोग्राम मना सकूं, इसके लिए आप कृपा करें। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। फील करें कि हमारे सामने एक मानसिक रूप से अग्नि जल रही है, एक हवन कुंड जैसा तेज अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस अग्नि कुंड में हम अपनी समस्त नकारात्मकता को विलीन करने वाले हैं। समस्त नेगेटिविटी, समस्त नेगेटिव भाव जो है, इसमें हम विलीन करने वाले हैं। एक बार स्मरण करें अपनी उन कमियों को, अपनी उन रुकावटों को, अपने उन नेगेटिव इमोशंस को जो हमारी तरक्की में रुकावट बनती है। आज हम इन सभी को अग्निदेव के आगे समर्पित कर देंगे। ओम अग्निदेवाय नमः। मानसिक रूप से भाव करें कि हमारी समस्त नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर जो मौजूद है, जिसके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पाते, उस नकारात्मक ऊर्जा को हम अग्निदेव को समर्पित कर रहे हैं। मानसिक रूप से भाव करें, मानसिक रूप से भाव करें हमारी वो कमियां जिसे हम दूसरों के सामने बोल भी नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, अपनी उस कमी को मैं मानसिक रूप से अग्निदेव के आगे समर्पित करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। मेरी समस्त कमियां भस्मीभूत हो जाएं, मेरी समस्त कमियां भस्मीभूत हो जाएं, मेरी समस्त नकारात्मकता इस हवन कुंड में
मानसिक रूप से जो बनाया है इसमें भस्मीभूत हो जाएं। ओम अग्निदेवाय नमः। वो सारी बातें जो मुझे अंदर अंदर कचोटती रहती हैं, जब मुझे लगता है कि मेरी कमियां हैं, वो मेरे मेरे अंदर के जो फियर्स हैं, मेरे जो डर हैं, उन सभी को मैं मानसिक रूप से इस हवन कुंड की अग्नि में प्रवाहित करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। मानसिक रूप से अनुभव करें, हम भावपूर्वक अपनी समस्त नकारात्मकता को होलिका की इस अग्नि में दहन कर दें। ओम अग्निदेवाय नमः। आप इतना हल्का फील करेंगे इसको करने के बाद, भावपूर्वक समस्त नकारात्मकता, सारे नेगेटिव भाव समर्पित करते हैं अग्निदेव को। मेरी समस्त नेगेटिविटी, मेरी वो कमियां जो मुझे ग्रो नहीं करने देती, जो मेरी ग्रोथ को रोकती हैं, उन समस्त कमियों को मैं अग्निदेव में प्रवाह में समर्पित करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। अपनी समस्त नेगेटिविटी को अपने ऊपर से, जैसे हम ऑरा को क्लीन करते हैं, अपने ऊपर से लेकर नीचे तक हाथों को इस तरह फैलाएं। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। मेरे समस्त, मेरे ऊपर अगर किसी ने कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव सोल, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव भावनाएं जो मेरे अंदर हैं, वो सभी नकारात्मकता को मैं इस समय अग्निदेव के आगे भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। मानसिक रूप से समस्त नकारात्मकता को इसमें आप पाएंगे कि इतने मन इतना हल्का हो जाएगा। वो सारी कमियां जो हम किसी को बोल नहीं पाते, जो ऐसे थॉट, ऐसे विचार, जो कभी कभी खुद को हार्म करने का विचार आता है, खुद को मारने का, दुख होने का, मैं सब आपके विचार जानकर ही बोल रहा हूँ, वो जो खुद को दुखी करने का या दूसरों को तकलीफ देने का या नफरत का विचार आता है उस किसी व्यक्ति के प्रति, उस सारी नकारात्मकता को, अपने समस्त नेगेटिव इमोशंस को हार्ट चक्र से नेगेटिवली से हाथों को इस प्रकार से घुमाएं कि मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे हार्ट चक्र की समस्त नेगेटिविटी अग्निदेव में भस्मीभूत हो रही है। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। मेरी सारी नफरत, मेरे सारे वो भाव जो मुझे परमात्मा से दूर करते हैं, जो जो मुझे रिश्तों से दूर करते हैं, उन सभी नकारात्मक भावों को मैं अग्निदेव को समर्पित करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। मानसिक रूप से हवन कुंड में डालते जाएं, मानसिक रूप से अनुभव करते जाएं कि अग्निदेव में हमारी समस्त ये योग है, बड़ा ही कीमती है, बेशकीमती है आज का ये दिन। आज के दिन ये सारी नेगेटिविटी हमारी समाप्त हो जाए, वो सभी दबे हुए इमोशंस, वो भाव जो मुझे कहते हैं कि हाँ तेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इस भाव को भी मैं अग्निदेव में भस्मीभूत करता हूँ, करती हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। भस्मीभूत कर दें अपने उन समस्त नकारात्मक विचारों को, उन दबी हुई छुपी हुई भावनाओं को जो हम किसी के सामने बोल भी नहीं पाते, अपने शेडो सेल्फ के अंदर जो कुछ भी दबा पड़ा है, वो जो सेक्सुअल थॉट्स, वो जो दबे हुए भाव, नफरत के भाव, वो जो बातें हम किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, आज अपने समस्त नेगेटिविटी को भस्मीभूत कर दें। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। दूसरों को हार्म करने के विचार, अपने आप को हार्म करने के विचार, वो जो भी विचार आपकी प्रोग्रेस रोकते हैं, जो कहते हैं कि तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाने वाले विचार, हर उस नकारात्मक विचार को अपने भीतर से निकाल कर भस्मीभूत कर दें। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। वो जो फियर्स, वो जो डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर, रिश्तों के दूर हो जाने का डर, पैसे की कमी हो जाने का डर, वो नकारात्मकता जो मुझे रोकती है, जो मेरी ग्रोथ नहीं होने देती, उन सभी नकारात्मक विचारों को एक बार पुनः
ओम अग्नि में भस्मीभूत करते हैं, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। वो विचार जो मेरे जीवन में पैसे की कमी लेकर आते हैं, वो विचार जो कहते हैं कि जो कंजूसी वाले विचार पैदा करते हैं, जो दुख वाले विचार पैदा करते हैं, अपने आत्मा को उत्पीड़न के विचार पैदा करते हैं, या किसी दूसरे को तकलीफ देने के विचार पैदा होते हैं, उन सभी नकारात्मक विचारों को एक बार भस्मीभूत कर दें। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। मेरे अंदर समस्त वो विचार, वो भाव सभी भस्मीभूत हो रहे हैं, जो मेरी तरक्की रोकते हैं, जो मुझे अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरे कामनाएं, वो फालतू की कामनाएं, वो व्यर्थ की कामनाएं, वो व्यर्थ की इच्छाएं, जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में रुकावट बनती हैं, वो कामनाएं, वो डिजायर्स, वो बातें जो मेरी रूहानी तरक्की, मेरी आध्यात्मिक तरक्की को रोकते हैं, उन सभी नकारात्मक विचारों को मैं अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। वो जो लोगों की मुझ पर नजर लगी होती है, लोग जो अपने ब्लैक मैजिक करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा मेरी तरफ भेजते हैं, नफरत के विचार भेजते हैं, जो लोग घूरते हैं मुझे, जो किसी भी कारण से मेरी तरक्की से जलते हैं, उस सारी नेगेटिविटी को भी मैं अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। जिन जिन चीजों ने, जिन लोगों ने, जिन बातों ने मेरे घर पर नजर लगाई है, हमारी गाड़ी पर, हमारे जगह पर, हमारे मेरे शरीर पर, मेरे मन पर, मेरी तरक्की पर, मेरी ऊर्जा पर, मेरी पढ़ाई लिखाई को रोका है, उन समस्त नेगेटिव ऊर्जाओं को मैं इस अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। फील करें, समस्त नेगेटिविटी को उसमें भस्मीभूत होते हुए देखें। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। डाल दें, सब 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 डाल दें। ये मौका है, ये गोल्डन चांस मिला है, ये मौका 700 सालों में एक बार ही अवसर पैदा हुआ है। एक ग्रहों की खास पोजीशन है, इस समय अग्निदेव की ऊर्जा प्रचंड रूप से प्रज्वलित है, और हम अपने भावों को, समस्त नेगेटिव थॉट्स को इसमें भस्मीभूत कर दें। ये मौका बड़ा विशेष है। अनेक ग्रह गोचरी अवस्थाएं ऐसी हैं जहां आप अपनी समस्त नेगेटिविटी को बहा सकते हैं, तो समस्त एक बार पुनः देखें कौन कौन से विचार मेरे अंदर जो अटके हैं, वो भावनाएं जो मुझे रोकती हैं, जो मुझे तरक्की नहीं करने देती, जो नफरत के भाव पैदा होते हैं, या अपने आप को तकलीफ देने के विचार पैदा होते हैं, वो सभी दूसरों को रोकने वाले या अपनी आत्मा को रोकने वाले, वो सभी नेगेटिव थॉट्स, वो आत्माएं जिन्होंने मुझे कभी प्रभावित किया था, उन सभी के विचार जो हैं, जो मेरे दबे हुए इमोशंस हैं, जो भावनाएं, जो मैं किसी को बोल नहीं पाता, वो सभी बातों को अपने अंदर से निकाल कर अग्निदेव को भस्मीभूत कर दें। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। वो डरावने सपने, वो डरावनी बातें जो कभी लोगों ने मुझे कही, और वो दिल के अंदर कहीं ना कहीं आज भी कचोटती हैं, वो भय पैदा करती हैं, फ्यूचर का भय, अंधेरे से भय, ऊंचाई का भय, या किसी सर्प का भय, या कोई भी देवी देवताओं के साथ किसी भी तरह का कोई भय जो मेरे अंदर नकारात्मकता पैदा करता है, उन सभी भावों को मैं इस अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ, करती हूँ। ओम अग्नि देवाय नमः, 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 ओम अग्नि देवाय नमः। वो लोभ के विचार, वो काम वासना के विचार, वो क्रोध के विचार, वो गुस्से के विचार, वो
नफरत के विचार, अहंकार के विचार, जो ये कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं अपने समस्त अहंकार को उठाकर अग्नि में भस्मीभूत करता हूं। ओम अग्निदेवाय नमः, 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 ओम अग्निदेवाय नमः। फील करें मन के अंदर एक अपार शांति उतरने लगी है। समस्त विचार, अगर कोई भी और विचार जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया, आपके मन में कुछ भी आ रहा है, वो सब बातें, वो सब रुकावटें, वो सब लिमिटेशंस, जिसके कारण लगता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तरक्की के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ, या कुछ भी अपने मन में जो खुद को लेकर बुरा विचार आता है, मैं रिश्ते नहीं निभा सकता या निभा सकती, या मेरे अंदर ये कमी है, पैसे की कमी है, या रिश्तों की कमी है, या शरीर में कोई रोग है, अपने अंदर के समस्त रोगों को एक बार अग्नि में भस्मीभूत कर दें। कोई तकलीफ किसी भी ऑर्गन में है, वहां पर अपने हाथ को ऐसे घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए मेरे पैरों की, मेरे हाथों की, मेरे शरीर के सभी ऑर्गन्स की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे मैं अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः, मेरे सारे रोग जल जाएं, स्वाह हो जाएं। ओम अग्निदेवाय नमः, मेरी समस्त ब्लॉकेजेस दूर हो जाएं, शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स, बाहरी ऑर्गन्स, मेरा ऑरा समस्त पूरी तरह से क्लीन हो जाए। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। वो विचार जो मेरे मन में, जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रोकते हैं, या संसार में मेरी तरक्की को रोकते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली या पैसे के मामले में मैं ग्रो नहीं कर सकता, जिसके कारण मेरे पास पैसे की कमी है, शॉर्टेज है, जिसके कारण मैं अपने फील्ड में, अपने करियर में सफलता नहीं पा रहा हूँ, अपने हर उस नकारात्मक विचार को मैं अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः, 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 ओम अग्नि। अपने करियर की तरक्की के लिए रास्ते में आने वाली हर रुकावट, अपने रिश्तों में आने वाली हर रुकावट, अपने शरीर की प्रोग्रेस में आने वाली हर रुकावट, अपनी आध्यात्मिकता में आने वाली हर रुकावट को, हर नकारात्मक विचार को, हर नेगेटिव एनर्जी को मैं अग्नि में भस्मीभूत करता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। मन को शांत फील करें, धन्यवाद करें अग्निदेव का। आपने ओम एक बार पुनः अग्नि गायत्री मंत्र के साथ उनका वंदन करते हैं। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। मैं वंदन करता हूँ अग्निदेव, आपने मेरी समस्त नकारात्मकता को दूर किया, इसके लिए आपका मैं कोटि कोटि शुक्राना अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे समस्त अवगुणों को दूर करने के लिए मैं परमपिता परमात्मा अपने सद्गुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी कृपा से मेरे मन को जो शांति मिली, आनंद मिला, ठहराव मिला, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अब अनुभव करें पॉजिटिव चीजें, कि भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी भरपूर हो चुकी है। अब जो जो नकारात्मकता हमने हटा दी है, उसके बाद मन को एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है। फील करें कि मन बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर है। अब यही ऊर्जा अपने भीतर की उस पॉजिटिविटी को पुष्ट कर रही है, और पॉजिटिव बना रही है, और सुंदर बना रही है भीतर से। ऑरा आपका निखर चुका है प्रभु की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। फील करें अपने ऑरा में निखार अनुभव करें, फील करें कि आपका ऑरा फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, आपका आभा मंडल फैल रहा है, क्योंकि उसमें से सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है। ब्राइट ऑरा, चारों तरफ एक आभा मंडल में तेज है, प्रकाश है। और फील करें कि आपका संसार में मान सम्मान बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। धन्यवाद करें, आपकी समस्त
नेगेटिविटी दूर हो चुकी है, अब आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर के समस्त रोग दूर हो चुके हैं, समस्त रोग दूर हो चुके हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अपने आप से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे ऑरा में एक चमक है, एक तेज है जो कि फैल रहा है, मेरा आभा मंडल फैल रहा है, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर है। ओम अग्नि देवाय नमः। फील करें इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर, और ज्यादा प्यार से ये ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। ओम अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। मेरी समस्त नेगेटिविटी दूर हो चुकी है, चेहरे पे तेज आ रहा है, मेरी मेरे सभी चक्र पोषित हो रहे हैं, एकदम एक्टिवेट हो रहे हैं अच्छे से, समस्त चक्रों की समस्त नेगेटिविटी को, सारी ब्लॉकेजेस को मैंने तिरोहित कर दिया है, अग्नि के अंदर भस्मीभूत कर दिया है। अब मेरे सभी चक्र जागृत हैं, ऊर्जा भरपूर है, पूरी भरपूर ऊर्जा के साथ फील करें, मेरे समस्त चक्र जागृत हैं और प्रभु की, परमात्मा की अपार कृपा मुझ पर बरस रही है, दिल में अपार प्रेम है, स्नेह है, संसार के प्रति एक पॉजिटिविटी है। ओम अग्नि देवाय नमः। एक बार पुनः धन्यवाद करें परमात्मा का कि आपने इतनी कृपा करके होलिका का ये मानसिक त्योहार मेरे लिए मनाया, मैंने जो ये सेलिब्रेट किया अपने मन से, प्रभु इसी प्रकार मेरे मन की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाए, आपकी कृपा से मैं एक पॉजिटिव इंसान बनकर, एक शुद्ध पॉजिटिव इंसान बनकर, पवित्र आत्मा बनकर अपने प्रभु के रास्ते पर चल पड़ूं और संसार में भी तरक्की पाऊं, संसार की भी समस्त खुशियां पा सकूं, अपनी सारी ब्लॉकेजेस को दूर करके सारे रिश्ते खूबसूरती से निभा सकूं, सारे धन संपत्ति भी पर भी मेरा पूरा अधिकार है, होना चाहिए सब कुछ हो, संसार की समस्त खुशियां हो, अच्छे रिश्ते हो, अच्छा स्वस्थ शरीर हो, सुंदर शरीर हो, मेरा आभा मंडल फैले, लोगों में मान सम्मान हो। इस समस्त बातों के लिए मैं प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आध्यात्मिकता में रुचि हो, खूब मेडिटेशन में आनंद आए, मेडिटेशन के आने वाली समस्त रुकावटों को भी मैं अग्नि में भस्मीभूत करके अपने मन को पॉजिटिव बना रहा हूँ। ओम अग्नि देवाय नमः। धन्यवाद करता हूँ। मेरी मेरी परमात्मा के प्रति प्यार बढ़ रहा है, मेरी भक्ति में आने वाली हर रुकावट दूर हो रही है, आनंद बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हमने मानसिक रूप से ये होलिका दहन का ये प्रोग्राम मनाया। सभी को इस अवसर पर लाखों लाख मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।